नाउ हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का फिर स्वागत है हमारे चैनल सी फॉर एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम साइकिल को इस एक और वीडियो के साथ हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका DRDM टेस्ट Tier 1 का एग्जाम होने वाला है उस एग्ज़ाम को लेकर। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जिस तरह से हमारे इंडिया में COVID-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपका जो DRDM टेस्ट Tier 1 का एग्ज़ाम है, इसमें भी आपको और ज़्यादा जो देरी देखने को मिल सकती है। सिर्फ यही एग्ज़ाम नहीं है, और भी कई सारे जो जितने भी एग्ज़ाम है उसमें भी आपको जो जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसमें आपको जो देरी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। देखिए इस समय इंडिया में जो स्थिति काफ़ी ख़राब चल रही है COVID-19 को लेकर, और भी कई सारे इशू है, बॉर्डर टेंशन्स भी चल रहा है, यहाँ पे COVID-19 के केसेस भी है, एग्ज़ाम को लेकर भी स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इंडिया में 5 लाख से ज़्यादा COVID-19 के केसेस है, और मैं यहाँ पे कहूँगा जो इंडिया के टॉप मेजर सिटी है वहाँ पे जो है COVID-19 काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। आप यहाँ पे ले लीजिए महाराष्ट्र, ले लीजिए तमिलनाडु, दिल्ली ले लीजिए, यहाँ पे आपको जो COVID-19 के केसेस जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे अगर इंडिया में 5 लाख से ज़्यादा केसेस है तो आपको कहीं ना कहीं आपको जो है 3 लाख सिर्फ इसी 3 लाख आपको सिर्फ इसी स्टेट्स में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये 3 राज्य, एक है आपका महाराष्ट्र, एक है तमिलनाडु और एक है आपका दिल्ली, ठीक है। और देखिए कई जो एक जो भी स्टूडेंट यहाँ पे DRDO MTS का फॉर्म भरे होंगे उसमें से कई सारे स्टूडेंट जो है उनका जो एग्ज़ाम सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, इन 4 राज्यों में जो उन लोगों ने एग्ज़ाम सेंटर जो सिलेक्ट कर रखा होगा। सुबह देखिए अभी जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम तो अभी फ़िलहाल के लिए कराना जो है काफ़ी मुश्किल है एग्ज़ाम। और तो और कई न्यूज़ ये भी आ रही है कि फिर से जो लॉकडाउन इम्पोज करने का प्लान बन रहा है, यहाँ पे न्यूज़ ये रही कि 31 जुलाई ठीक है 31 जुलाई तक जो वो लॉकडाउन फिर से जो लगाया जा सकता है, ठीक है। तो वेल देखिए मैं यहाँ पे कहूँगा, अगर जिस तरह से यहाँ पे 18,000 रेगुलरली केसेस आ रहे हैं, अगर ये केसेस जो है ना ये अगर 7 से भी 10,000 आने लगे डेली तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी खबर होगी, ठीक है। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी इतनी बहुत ही ज़्यादा है पॉपुलेशन, हम जो वर्ल्ड का जो सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो पॉपुलस कंट्री है, ठीक है। सुवेल देखिए और यहाँ पर अगर स्थिति ख़राब हुई, अगर ये 18,000 से कहीं एक केसेस जो 20 से लेकर के 25,000 जाने लगे तो यहाँ पे जो हो सकता है आपको फिर से लॉकडाउन इम्पोज किया जाए, और हो सकता है आपका जो एग्ज़ाम है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ने वाला है। मैं यहाँ पर सिर्फ DRDO MTS की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने फॉर्म भर रखे हैं उनके एग्ज़ाम पर जो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है, और कई सारे एग्ज़ाम में तो कई सारे जो एग्ज़ाम हैं उनका डेट शीट भी आ रखा है। तो आप सरप्राइज मत होइएगा अगर कोरोना वायरस के केसेस ऐसे बढ़ते रहें तो उनके जो डेट शीट है उसमें भी आपको बदलाव देखने को मिलने, हो सकता है एग्ज़ाम को जो है पोस्टपोन कर दिया जाए और फिर से जो कोई जो है नई डेट शीट जो है वो जारी किया जाए। हालांकि अभी DRDO ने इस एग्ज़ाम के बारे में ऑफिशियली कुछ कहा नहीं है, मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, ठीक है। और रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि यहाँ पे ठंडी का मौसम है, जब ठंड आएगा तो COVID-19 और भी ज़्यादा तेज़ी से जो हो स्प्रेड होगा। तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर क्या गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है एग्ज़ाम को लेकर के। और यहाँ पे ये कोई बोर्ड एग्ज़ाम है नहीं कि जस्ट लाइक अभी आपने 2 दिन पहले पढ़ा होगा जो CBSE वाले हैं उनका एग्ज़ाम COVID-19 के कारण नहीं हो पाया तो उन सभी को जो प्रमोट कर दिया गया, पर यहाँ पे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ऐसा होगा नहीं कि आपको जो है ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाए, ठीक है। और देखिए अगर टाइम पर एग्ज़ाम नहीं होता है तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट आप ही के ऊपर आएगा, जस्ट लाइक सितंबर में नहीं होता है तो फिर हो सकता है डेट अक्टूबर में जाए, अक्टूबर में भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं रहा, नवंबर दिसंबर ऐसे ही डेट आगे बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। अगर कोरोना वायरस से COVID-19 कंट्रोल में नहीं होगा तो डेट ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो उम्मीद मैं यही उम्मीद करूँगा कि COVID-19 जो जो है जो जल्दी से जल्दी जो जितना जल्दी हो सके इसको जो कंट्रोल कर लिया जाए, और केसेस में कहूँगा यहाँ पे हमारे इंडिया के अगर 7 से 10 हज़ार भी केसेस आने लगे तो हमारे लिए ये जो है ये कंट्रोल में ही कहाएगा, ठीक है। क्योंकि इतनी ह्यूज पॉपुलेशन भी है हमारी और इस समय जो हमारे केसेस जो 15 से 18 हज़ार तो रेगुलरली केसेस आ ही रहे हैं, ठीक है। तो इतना भी केसेस आने 7 से 10 हज़ार के बीच में भी केसेस आने लगे तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे जो वो सिचुएशन जो है थोड़ी कंट्रोल हुई है और हो सकता है आपका जो एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।